हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 32 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जो आज का मेन टॉपिक है, इट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड इंडियन पार्टी सिस्टम। जो जो पार्टी सिस्टम है उसके नेशनल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज, पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स, ये सब हमारे जो मेन टॉपिक है उसका एक पार्ट है। ठीक है, सो हमारे सिलेबस का ये सब पार्ट है। इसी पर्टिकुलर सिलेबस के पार्ट के ऊपर बेस्ड आपको दो डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज सच दैट द नेशनल पॉलिटिक्स गेट्स मिक्स्ड विद द रीजनल इश्यूज एंड पीपल्स रियल डिमांड्स रिमेन्स अनहर्ड। Critically examine under the context of the nature of party system in India. एक 20 mark का question है जिसको आपको 350 words के अंदर लिखना था। ठीक है, सबसे पहले आज का जो main question है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। Question ये है कि जो भारतीय electoral system है, India के अंदर जो electoral system जो follow होता है वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा national politics है वो कई बार regional issue के साथ merge up हो जाता है, mix up हो जाता है। ठीक है, और उसके कारण जो लोगों की रियल डिमांड्स होती है वो कहीं ना कहीं अनहर्ड रह जाती है, वो चीज प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाती। इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है और हमें भारत के अंदर जो पार्टी सिस्टम है उसका किस तरीके का नेचर है इसको समझने की कोशिश करनी है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा नेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर रीजनल इश्यूज आते हैं। सो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर रीजनल इश्यूज कैसे आएंगे? बिकॉज देखो जो नेशनल पॉलिटिक जो नेशनल पॉलिटिक्स होता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है, जो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, वो जो पार्टीज हैं वो पार्टीज कहीं ना कहीं स्टेट पार्टीज ही तो होती हैं। वही स्टेट पार्टीज जो धीरे धीरे आगे बढ़कर के नेशनल पार्टीज फॉर्म करती हैं। तो इसी कारण जब एक नेशनल पॉलिटिक्स बनता है, यानी कि जब नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, तो वहां पर रीजनल इश्यूज इसके कारण आते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टीज साथ में आकर के कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म करते हैं। सो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहा है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है भारत का वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है वो रीजनल डिमांड्स, रीजनल इशू के साथ मिक्सअप हो जाता है। मतलब क्या है? जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स, मतलब जो हमारी नेशनल पार्टी है वो रीजनल इश्यूज को फुलफिल कर रही है। वो तभी हो सकता है जब नेशनल पॉलिटिक्स छोटे छोटे जो स्टेट पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाए। सिंपल शब्दों में, जब एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा तभी ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होगा। और एक कोलिशन गवर्नमेंट में अक्सर यह देखा जाता है कि जो पीपल की रियल डिमांड है वो कहीं ना कहीं अनहर्ड रह जाती है। इसी चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, और कहा गया है कि भारत के अंदर किस तरीके का पार्टी सिस्टम है, वो किस तरीके का नेचर है हमारे पार्टी सिस्टम का, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, इस चीज को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसका अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन। किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हैं? बिकॉज देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस टॉपिक के अराउंड पूछा गया है, इसका बिगर पिक्चर क्या है। सो आई होप आप अब तक ये समझ गए होंगे कि जो क्वेश्चन है इट हैज बीन आस्क्ड अराउंड पार्टी सिस्टम, है ना। पार्टी सिस्टम के आसपास में पूछा गया है कि एग्जैक्टली पार्टी सिस्टम क्या है, भारत के अंदर पार्टी सिस्टम किस तरीके से फॉलो होती है, इस चीज को यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है एग्जैक्टली है क्या, पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो देखो, पार्टी सिस्टम आप कह सकते हैं कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी हमारे डेमोक्रेसी का एक बेस है। बेस क्यों है? बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू अलग अलग लोगों को उनकी पावर्स मिलती हैं। मतलब कि मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का पावर यूज करना है, मतलब वो अपने आप को पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड करना चाहता है, वो यू नो कॉन्टेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, तो ही कैन डू सो विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट। बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन जो अपने किसी भी इलेक्शन के अंदर फाइट कर सकता है, ही कैन डू सो ओनली विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ऑब्वियसली ही कैन ऑल्सो फाइट इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली भी कोई भी इलेक्शन फाइट किया जा सकता है, बट द पॉइंट इज ज्यादा आसान तरीका होता है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। दैट इज वाई जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम बेस मानते हैं, उसको फाउंडेशन माना जाता है किसी भी कंट्री की मॉडर्न डेमोक्रेसी का। साथ ही साथ जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी अपने कुछ के खुद के कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ खुद की थिंकिंग होती है, कुछ खुद के एम्स होते हैं, उसके खुद एम्बिशंस होते हैं। सिंपल शब्दों में समझें तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका अपना खुद का एक आइडियोलॉजी होता है, और जो आइडियोलॉजी होता है उसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेस पर वो काम करता है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करता है, राइट? तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। साथ ही साथ आप पार्टी सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पार्टी सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा पार्ट होता है हमारे डेमोक्रेटिक व्हील का, जो कि फाउंडेशन क्रिएट करता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। तो अगर पार्टी सिस्टम नहीं होगा तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, राइट? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि पार्टी सिस्टम की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहती है तो। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बॉडी पार्ट, कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से आज का जो मेन बॉडी पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। नाउ आज का जो मेन बॉडी पार्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले देखो, क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट था जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वो पार्टी सिस्टम के आसपास में रिवॉल्व कर रहा है। तो पार्टी सिस्टम के बारे में आप ये बता सकते हैं कि आपने रजनी कोठारी का नाम सुना होगा, राइट? प्रोफेसर रजनी कोठारी, उनका कहना यह है कि जब 1947 में भारत को आजादी मिली थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तक, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल तक भारत के अंदर एक सिंगल पार्टी ने राज किया था। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक सिंगल पार्टी का ही रूल रहा था, एंड दैट इज कॉल्ड एज कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तक जो भारत के अंदर सिस्टम चल रहा था, जो फॉलो हो रहा था, दैट इज कॉल्ड एज कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, मतलब कांग्रेस सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज कांग्रेस जो था वो एक डोमिनेंट पार्टी की तरह काम करता था एट नेशनल लेवल एज वेल एज एट रीजनल लेवल। ठीक है, मतलब स्टेट्स लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी जो कांग्रेस था वो एक डोमिनेंट पार्टी की तरह काम करता था। अब देखिए, जब एक ही सिंगल पार्टी आपकी नेशनल पार्टी पे भी काम करती है और रीजनल लेवल पे भी काम करती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि नेशनल लेवल की प्रायोरिटीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब नेशनल लेवल के इश्यूज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू स्टेट लेवल के इश्यूज। और इसी कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रीजनल इश्यूज थे, जो रीजनल प्रॉब्लम्स थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया है, उनको इग्नोर कर दिया गया था उस पर्टिकुलर टाइम में। उसके कारण ही एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। साउथ इंडिया के अंदर जो इतने सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, यहां तक कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, उसका मेन रीजन यही था कि जो रीजनल इश्यूज थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। और उसका सबसे बड़ा कॉज ये था कि नेशनल लेवल और रीजनल लेवल दोनों पर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि रूल कर रही थी। ठीक है, लेकिन देखिए 1967 के आसपास में क्या होता है, ये कांग्रेस सिस्टम का जो अपना कांग्रेस का डोमिनेंस था वो टूटना स्टार्ट होता है, और यहां पे पहली बार कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। तो जब कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी कांग्रेस थी, उसके साथ साथ में जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं वो भी अपने आप को अपलिफ्ट करना स्टार्ट करती हैं, यानी कि रीजनल पार्टी की जो वैल्यू है वो भी अपने आप उठना स्टार्ट कर देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो डिक्लाइन था, इट वॉज ऑल्सो द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। ठीक है, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। तो यही चीज एक्चुअली हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि जब कांग्रेस का डिक्लाइन होता है, उसी के साथ में हमारे कंट्री के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर रीजनल पार्टीज का जो है ग्रोथ, वो एक्चुअली स्टार्ट होता है। और इस तरीके से जो हमारा नेचर है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का, वो यहां पर पहली बार चेंज होना स्टार्ट होता है, वो शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो क्या कहता था, वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, है ना, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। सो हम ये नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले कांग्रेस ब्रेक हुआ और उसके बाद कोलिशन पॉलिटिक्स ने हमारे भारत के अंदर एक जगह बनानी स्टार्ट की। और जैसे जैसे कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया में स्टार्ट होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि देखिए प्रोफेसर योगेंद्र यादव जो है वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक अपसर्ज आया। डेमोक्रेटिक अपसर्ज मतलब कि जो लोअर क्लास के लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर सबसे पहले चीज तो अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया और उसके कारण भारत के अंदर डेमोक्रेसी जो है और ज्यादा डीपन होनी स्टार्ट हुई। कैसे? देखो, अगर हम लोअर क्लास की या फिर लोअर कास्ट की बात करेंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसको पहले पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंक्लूड करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, धीरे धीरे जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलने हुई स्टार्ट हुई, तो उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। मतलब कि लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, और जब उन्होंने इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने अपने सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए डिमांड्स करनी स्टार्ट की, उनके डिमांड को अपलिफ्ट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जो लोगों की डिमांड पहले जो नहीं सुनी जाती थी, अब वो भी सुनी जाने लगी, और इस तरीके से हमारा जो नेचर था पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का, वो फिर से एक बार चेंज होना स्टार्ट होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो 1947 से लेकर के 1960s तक हमारे यहाँ पर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था, दैट वाज कांग्रेस सिस्टम। फिर 1967 में हमारा कोलिशन पॉलिटिक्स आता है, और कोलिशन पॉलिटिक्स में यहाँ पर पहली बार होता है कि जब ओबीसी, ठीक है, SC ST इन सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज में। उसके कारण एक डेमोक्रेटिक अपसर्ज आता है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए
जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का जो इंपॉर्टेंस था या फिर जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती रही, तो वैसे वैसे एक चीज ये देखी गई कि भारत के अंदर जो फेडरल कैरेक्टर था, जो फेडरल फीचर था इंडिया के अंदर, जो फेडरल स्टेट था, वो भी धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। देखिए, पहले जिस फेडरलिज्म के ऊपर हम मतलब चलते थे, दे वॉज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या था? कोऑपरेट करके चलना। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर काम करती है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बिना किसी अनबन के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है। बट हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारे कंट्री के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स आता है, और कोलिशन पॉलिटिक्स में कुछ इस तरीके से आया कि जो नेशनल पार्टी मतलब जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी थी वो स्टेट लेवल पे नहीं थी, मतलब कोई और अल्टरनेट पार्टी थी जो कि यहां पर थी मतलब स्टेट के अंदर। सो यहां पर जो नेशनल लेवल पार्टी है और जो स्टेट लेवल पार्टी है दोनों के बीच में क्लैशेस होने स्टार्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती है, और यहां पर जो हमारा फेडरल कैरेक्टर था हमारी कंट्री का वो भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से चेंज होकर हम लोग बार्गेनिंग फेडरलिज्म की तरफ आ गए। What does it means? Bargaining federalism का मतलब होता है जहां पर states को हर चीज के लिए center के पास जाकर demand करनी पड़ती थी, center से मांगना पड़ता था। States directly center से कुछ मांग नहीं पाते थे because state और center का जो political ideology था वो बिल्कुल same नहीं था, वो exactly same नहीं था, ठीक है? तो उसके कारण जो problems थी वो काफी ज्यादा देखी गई। और जैसे जैसे coalition politics का rise हुआ, वैसे वैसे हमने देखा कि एक single party, one party dominance का काफी ज्यादा decline होता है, ठीक है? सो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि भारतीय पार्टी सिस्टम का जो नेचर है वो रेगुलरली और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। देखो, अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूं, तो 1996 में हमारे जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें ये देखा गया था कि जितने भी नेशनल पार्टीज है, जैसे कि बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उस टाइम में, इन सब ने मतलब सब मिला करके 11% अपने वोट शेयर को खो दिया था, मतलब उनका जो वोट शेयर है अराउंड 11% डिक्लाइन हो गया था। और अगर आप नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो मोर देन 75% सीट्स जो पहले नेशनल पार्टीज के पास थी वो सब वो हार गए, ठीक है? मतलब 96 इलेक्शन के अंदर जो भी इनके पास सीट्स थी, मतलब देखो 1991 में जो भी इलेक्शन हुआ होगा उसका जो भी रिजल्ट था ना, उसके कंपैरिजन में 1996 का जब रिजल्ट हमने चेक किया तो 11% कम सीट्स मिली पहली तो नेशनल पार्टीज को, और 75 से ज्यादा सीट्स वो लोग हार गए जो उनके पास पहले से थी। बट अगर हम स्टेट पार्टीज की बात करेंगे, मतलब ऐसी पार्टीज जो कि पहले नेशनल लेवल पे नहीं थी लेकिन लेटर ऑन कोलिशन फॉर्म करके ऊपर तक पहुंची, ऐसा देखा गया कि पहले उनके पास जितने भी सीट्स थी ना उसमें से 9% उनका सीट का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब दे स्टार्टेड गेनिंग सीट्स। और साथ ही साथ जो जितनी भी सीट्स नेशनल पार्टीज हारी थी वो सारी की सारी सीट्स यहां पर स्टेट पार्टीज जीतना स्टार्ट करती है। नाउ व्हाट डज दिस मींस? वंस अगेन, यही चीज हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस तरीके से जो रीजनल पार्टीज हैं उनके राइज के कारण जो हमारा नेशनल पार्टीज है उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। यही चीज तो हम शो कर रहे हैं, नेशनल पार्टी का डिक्लाइन हो रहा है और स्टेट पार्टीज का राइज हो रहा है, ठीक है? और देखो, ये चीज लगातार देखा गया है कि ये तो 1996 इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 1996 इलेक्शन के बाद पोस्ट 1996 इलेक्शंस लगातार ये चीज देखी गई है कि जो नंबर ऑफ सीट्स जो कि स्टेट पार्टीज के पास है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है? और जो नंबर ऑफ सीट्स नेशनल पार्टी के पास है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है? सो ये चीज शो करता है कि जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो लगातार ही चेंज होता जा रहा है, ठीक है? सो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं। अगर आप 2004 का इलेक्शंस देखेंगे, 2004 के इलेक्शन में ये चीज पता चला कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, स्पेशली जो स्टेट पार्टीज, उनका अब शेयर 9% से इंक्रीज होकर के ऑलमोस्ट 20% तक पहुंच चुका था, ठीक है, 2004 के इलेक्शन तक। और जो नेशनल पार्टीज थी जिनका पहले 11% के आसपास में डिक्लाइन हो गया था वो और ज्यादा डिक्लाइन होकर अराउंड 16% के आसपास में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, राइट? सो दिस शोज कि जो भी स्टेट पार्टीज है दे एक्चुअली स्टार्टेड ग्रोइंग, दे एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग प्रेफर्ड एज कंपेयर टू नेशनल पार्टीज। मतलब अगर हम स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज की बात करें तो स्टेट पार्टी का जो ग्रोथ था दैट वाज फास्टर एज कंपेयर टू नेशनल पार्टीज। यही चीज एक्चुअली हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारे इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि जो नेशनल पॉलिसीज है, जो नेशनल जो पॉलिटिक्स था उसके अंदर जब रीजनल एस्पिरेशंस मिलने स्टार्ट हुए, जब रीजनल इश्यूज मिलने स्टार्ट हुए तो उसके कारण जो स्टेट पार्टीज थी उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज नेशनल लेवल पे जो लोग थे वो लोग हमारे जो लोग थे, पीपल थे, उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो फुलफिल नहीं करने के कारण जो लोग थे उनको ये चीज समझ आ गई कि जो नेशनल पार्टीज है वो हमारी डिमांड को डायरेक्टली कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी रीजनल पार्टीज को जिताना स्टार्ट कर दिया, राइट? यही चीज एक्चुअली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो हमारा स्टेट पार्टीज का जो एवोल्यूशन था, जो ग्रोथ था, उसके कारण नेशनल पार्टीज का एक्चुअली डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो पार्टी सिस्टम है वो लगातार ही अलग अलग तरीके से चेंज होता जा रहा था। आई होप आप ये सब चीजें समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से जो स्टेट पार्टी का ग्रोथ है वो नेशनल पार्टी का डिक्लाइन का कारण बनता है।
ठीक है। देखो अगर आप प्रेजेंट डे की भी बात करोगे तो स्टेट पार्टी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अभी भी लोकसभा इलेक्शंस के अंदर, राइट। अभी भी अगर आप बात करोगे तो देखो 2014 और 2019 का इलेक्शन ऑल दो काइंड ऑफ यू नो बीजेपी मेजोरिटी के साथ जीती है, बट अगर अभी भी आप स्टेट पार्टीज की बात करेंगे, अगर आप स्टेट इलेक्शन की बात करेंगे, सो बहुत ही कम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एक सिंगल पार्टी ने यहां पर अपना ना पूरी तरीके से मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म की है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हो रही है। इट शोज कि सिर्फ स्टेट पार्टीज ही नहीं, रदर जो छोटी छोटी पार्टीज है, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनकी जो वैल्यू है वो भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये छोटी छोटी रीजनल इश्यूज को अपलिफ्ट करते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी जिस प्रॉब्लम को डायरेक्टली यू नो रेज नहीं कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं ये रीजनल पार्टीज। एंड दैट इज वाई वहां के लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो पावर में आए। एंड दैट इज वाई रीजनल पार्टीज भी लगातार उठ रही हैं। अगर आपको यू नो एग्जांपल लेना हो रीजनल पार्टी का, स्टेट पार्टी का जो लगातार अपलिफ्ट हो रही है, तो आप देखो आप स्टेट वाइज ले सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके देखिए, डीएमके काफी ज्यादा राइज हो रहा है। और राइट साथ ही साथ अगर आप आंध्रा की बात करेंगे तो आप टीडीपी देखोगे, तेलुगु देसम पार्टी, राइट, ये भी काफी बढ़ रही है। अगर आप पंजाब में देखोगे तो सैड का आपने नाम सुना होगा, शिरोमणि अकाली दल, ये भी काफी उठ रही है। महाराष्ट्र में आप ऑलरेडी जानते हैं शिवसेना, जो एक बार ऑलरेडी गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है। अगर आप केरला की बात करेंगे तो केरला कांग्रेस जो है वो भी यू नो काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि कोलिशन फॉर्म करती है। द पॉइंट इज ये चीज हमें प्रूव करता है कि जो हमारी स्टेट पार्टीज हैं वो कोलिशन फॉर्म करके कि हमारे नेशनल पार्टीज को काइंड ऑफ डिक्लाइन की तरफ लेके जा रही है। अगर हम ओवरऑल देखें तो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज दोनों साथ में मिलकर ही हमारे पॉलिटिक्स को एक्चुअली आगे बढ़ा पा रही है। एंड दैट इज वाई हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो लगातार ही चेंज होता जा रहा है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच करना था। आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए। अब देखो फाइनली बात आती है कि इस आंसर को एंड कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है। वंस अगेन आपको वही वाला सेम कंसेप्ट लेकर आना है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो कोलिशन जो पॉलिटिक्स है उसने रीजनल पार्टीज को काफी ज्यादा राइज करने में हेल्प की है। बिकॉज कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण ही तो रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस बढ़ी है ना। जब तक कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था हमारे यहां पर, तब तक तो जो रीजनल पार्टीज थी उनकी वैल्यू भी बहुत डाउन थी। बिकॉज जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि 1967 से पहले सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जो कि नेशनल लेवल पे भी और सारे के सारे स्टेट लेवल पे भी वो अकेले यू नो अपने डोमिनेंस को शो करती थी। द पॉइंट वॉज वंस कांग्रेस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, जब एक बार कांग्रेस का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ उसके बाद जाकर रीजनल पार्टीज की वैल्यू स्टार्ट हुई। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि कोलिशन पॉलिटिक्स के अपलिफ्ट के साथ में रीजनल पार्टी की जो सिग्निफिकेंस थी वो भी चीज इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, और इसके कारण जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी वॉइसेस को हर्ड किया जाने लगा, उनकी बातों को सुना जाने लगा, उनकी प्रायोरिटीज को, उनकी डिमांड्स को, इन सबको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, राइट। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इन सब चीजों ने हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा डीपन करने में, और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में, और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प आउट किया है। ठीक है, सो आई होप आपको पहला क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है दैट कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया इज नथिंग बट एन आउटकम ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स दैट टुक रूट्स आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। डू यू अग्री? क्रिटिकली एनालाइज। 15 मार्क का क्वेश्चन है जिसको आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन वंस अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोलिशन पॉलिटिक्स है भारत की वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से इमर्ज हुई है। मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स का जो इमर्जेंस है उसको आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के साथ लिंक करना है आपको, और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को आपको यह शो करना है कि जब कांग्रेस सिस्टम जब डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ उसके बाद जाकर रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई, और यही रीजनल पार्टीज आगे जाकर के नेशनल पार्टी के साथ कंबाइन करके कोलिशन पॉलिटिक्स बनाती है, कोलिशन पार्टीज को फॉर्म करती है, राइट। इसी चीज को हमें प्रूव करना है, इसी चीज को हमें प्रॉपरली एनालाइज करना है। सो आई होप सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का मेन मीनिंग समझ गए, और कहीं कुछ हद तक आप ये भी समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमारे कांग्रेस के ब्रेकडाउन के बाद हुआ, किस तरीके से हमारे कोलिशन पॉलिटिक्स इमर्ज हुआ, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चन के बाद डिस्कस किया हुआ है। वंस अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है, इसका इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से कर सकते थे। देखिए इसके इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि पहली चीज तो कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होती है, व्हाट इज कोलिशन पॉलिटिक्स। तो आप कोलिशन पॉलिटिक्स में बताएंगे ये एक ऐसे टाइप का गवर्नमेंट होता है जहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइन एंड देन दे फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पर एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जब भी उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है इलेक्शन में, जो भी रिक्वायर्ड मेजोरिटी होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइन करती है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, उस टाइम उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। नाउ
कोलिशन गवर्नमेंट का एक कारण ये भी हो सकता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर मान लो कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जो कि ऑलरेडी चल रही है, अचानक से उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मतलब कि वो गवर्नमेंट इनस्टेबल होकर टूट गई। इस गवर्नमेंट के इनस्टेबल होकर टूटने के बाद आफ्टरऑल इस पर्टिकुलर जो ये जो पार्टी थी, ये जो पार्टी जिसने गवर्नमेंट फॉर्म कर रखा था, उसके पास तो मेजोरिटी नहीं बची। तो अब जो भी वहां के गवर्नर होंगे स्टेट के, या फिर अगर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अगर लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो जो भी लीडर ऑफ द पार्टी है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, ये लोग क्या करते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी को बुलाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब जैसा हमें पता है कि अगर इस पर्टिकुलर पार्टी ने ऑलरेडी गवर्नमेंट फॉर्म किया था, इसका मतलब है कि इसके पास मेजोरिटी सीट्स थी, तो जो भी दूसरी पार्टी होगी उसको डिफरेंट पार्टीज के साथ कंबाइन होकर गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ेगा। तो वंस अगेन, अगर कोई क्राइसिस का समय आता है, कोई क्राइसिस का टाइम आता है, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, सो आई होप आप पहली चीज तो ये दोनों चीजें समझ गए कि एग्जैक्टली कोलिशन पॉलिटिक्स का डिफरेंट मीनिंग क्या है, आफ्टरऑल कोलिशन पॉलिटिक्स का मेन एम क्या है, किस तरीके से कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म होती है। ठीक है, आई होप इतना समझ गए आप। अब देखो, जो कोलिशन पॉलिटिक्स है आपको कुछ इस तरीके से लिंक करना है कि वो आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ यहां पर लिंक करना है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है। राइट, देखो इन सब चीजों को अब हम बॉडी पार्ट के अंदर लेकर आते हैं। पहले तो आप यहां पर छोटा सा बता दो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है। देखो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर जो हमारा किसी भी पर्सन का जो इलेक्टोरल बिहेवियर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन किस जेंडर का है, या फिर किस रिलीजन का है, या फिर किस रेस का है, या फिर किस कास्ट का है, किस क्लास का है। मतलब कि जब हम आइडेंटिटी बेस के ऊपर अपने पॉलिटिक्स को फाइट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि सिंपल शब्दों में समझे कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी उसके इलेक्टोरल बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर दे, किसी और पर्सन के इलेक्टोरल बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर दे, तो हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर पार्ट इज जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब भारत के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किस साइड, किस टाइम में इमर्ज हुआ, किस तरीके से इमर्ज हुआ, इन सब चीजों को हम समझेंगे। अब देखो, आई होप आप पहली चीज तो ये समझ गए, हमने कोलिशन पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, फिर हमने यहां पर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स था उसको डिफाइन कर दिया। राइट, हमारा दो मेन जो टर्म्स थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, जो डिमांड थी, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले एक बार आप फिर से कोलिशन पॉलिटिक्स को बताओगे कि किस तरीके से फॉर्म होती है। जब कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी ऑफ वोट्स को नहीं ले पाए, तब दो या फिर उससे ज्यादा पार्टीज एक साथ कंबाइन करके गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एंड दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज कोलिशन गवर्नमेंट। अक्सर यह देखा गया है कि जो भी दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइन होती हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उनके जो आइडियोलॉजी होते हैं वो समवॉट सिमिलर होते हैं। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होंगे, बट समवॉट सिमिलर होंगे। उसके कारण जो भी उनकी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जो भी उनके एस्पिरेशंस होते हैं, वो कुछ कॉमन मेथड्स के ऊपर फॉर्म होते हैं, मतलब कॉमन आइडियोलॉजी के ऊपर फॉर्म होते हैं। मतलब कुछ ऐसी आइडियोलॉजी जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी वन और पॉलिटिकल पार्टी टू दोनों ही बिलीव करते हैं, दोनों साथ में मिलकर कुछ ऐसे कॉमन प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं जहां पर दोनों की इंडिविजुअल पॉलिटिक्स जो है, जो खुद की अपनी अपनी जो पॉलिसीज हैं वो भी डाइल्यूट ना हो, और दोनों का काम भी चल जाए और गवर्नमेंट भी काम करे। राइट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म होता है, सो अलग अलग तरीके के जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मान लो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पॉलिटिकल पार्टी वन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे सेक्शन को पॉलिटिकल पार्टी टू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों अगर साथ में मिलकर कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों साथ में मिलकर जब आएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिलकर हमारे पावर में आ रहे हैं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं वो भी यहां पर पावर में आएगी, वो भी यहां पर फोरफ्रंट पे आएगी? राइट, तो इसीलिए यहां पर देखा जा रहा है कि जो हमारा कॉलिशन पॉलिटिक्स होता है वो जब भी फॉर्म करता है, तो वहां पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, रीजनल एस्पिरेशंस, वो सब यहां पर फोरफ्रंट में आना स्टार्ट होती हैं। मतलब जो रीजनल डिमांड्स हैं वो सब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म होगा, तो एक चीज तो क्लियर है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, ये चीज तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज बहुत सारी जब पार्टीज, मान लो पार्टी वन, पार्टी टू, पार्टी थ्री, सबके सब एक साथ मिलकर अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, और अगर मान लो कभी भी गवर्नमेंट के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी चेंज हुआ और उसने गवर्नमेंट को छोड़ दिया, तो जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी है वो रहेगी नहीं। तो यहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो यहां पर इस चीज को फॉर्म नहीं कर पाएगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगी, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। यानी कि जब भी कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म करता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ये चीज तो हम समझ गए। बट अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म होगा, तो जो डेमोक्रेसी है हमारा, जो हमारा डेमोक्रेसी है, वो और ज्यादा डीपन होगा, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा? कैसे? वंस अगेन, पिछले वाले एग्जाम्पल पे वापस जाओ, इसको समझो। जब एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी
और सेकंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दोनों साथ में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो डिमांड्स हैं वो भी यहां पर फोरफ्रंट में आएंगे और इसके भी फोरफ्रंट में आएंगे, यानी कि दोनों साथ में मिलकर अपने डिमांड्स को अपलिफ्ट करेंगे, यानी कि जो कॉमन प्रोग्राम्स बनेंगे उसमें दोनों ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो डिमांड्स हैं वो यहां पर शो होंगे, वो यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब एक कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म होता है तो वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स को शो करते हैं, हमारे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को शो करते हैं, मतलब कि बहुत सारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन सबकी डिमांड्स को अपलिफ्ट करने का काम करती है कोलिशन पॉलिटिक्स। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप यहां पर शो कर सकते हैं कि आफ्टरऑल डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए, डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोलिशन पॉलिटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में, जहां पर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जो हमारे सिटीजन है वो काफी ज्यादा डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, राइट। इन सब चीजों के ऊपर जो हम डिवाइडेड है, वहां पर जो कोलिशन पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को और उनके डिमांड्स को अपलिफ्ट करता है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, अब हम आते हैं जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी और जो हमारा कोलिशन पॉलिटिक्स था, दोनों को हम एक साथ लेकर आगे चलने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से एक जो पार्ट है उसने सेकंड को यहां पर अपलिफ्ट किया, किस तरीके से जो कोलिशन पॉलिटिक्स है वो एक्चुअली एक आउटकम है। यही तो क्वेश्चन था हमारा, वो एक्चुअली किस तरीके से आउटकम है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, राइट। इसी चीज को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्या हम ये कह सकते हैं कि 1970s के आसपास में जो हमारा इंडिया था, इट वॉज लार्जली गवर्न बाई कांग्रेस सिस्टम, मतलब एक सिंगल पार्टी जो थी वो पूरे इंडिया को गवर्न कर रही थी। और अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें या फिर हम स्टेट लेवल पे देखें, दोनों ही जगहों पर जो कांग्रेस थी वो पावर में थी, यानी कि कांग्रेस का जो डोमिनेशन था इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग। बट 1970s के पास में क्या हुआ था, बहुत सारे सोशल रेवोल्यूशन भी चल रहे थे। सोशल रेवोल्यूशन होने के कारण क्या हम ये कह सकते हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही थी, सोशल हायरार्कीज बन रहे थे, मतलब कि हमारा जो सोसाइटी है वो भी अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा था, सोसाइटी हमारी और ज्यादा अवेयर हो रही थी। सोसाइटी जब हमारी अवेयर हो रही थी तो जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन थे, वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी काफी इंक्रीज हो रही है। देखो सिंपल शब्दों में समझो कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, तो जब उनको राइट्स के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी राइट्स को डिमांड करेंगे। जब वो अपने राइट्स की डिमांड करेंगे तो क्या राइट्स की डिमांड करने का सबसे बेहतरीन तरीका पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू है? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आप अपने राइट्स को एक पर्टिकुलर लेवल पे लेके जा सकते हैं, आप स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो यहां पर यह देखा गया कि जब धीरे धीरे सोशल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और सोशल मूवमेंट के कारण जो हमारे सोसाइटी की अवेयरनेस बढ़नी स्टार्ट होती है, तो यहां पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और जब धीरे धीरे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट होती है तो यहां पर फैक्टर्स स्टार्ट होते हैं बहुत सारे जो कि इन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स को आप आइडेंटिटी फैक्टर्स देख सकते हो। आइडेंटिटी फैक्टर्स किस तरीके से, देखो बहुत सारे ऐसे ही आपको पॉलिटिकल पार्टी बनते हुए दिखेंगे जो कि कास्ट के नेम पे बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि कलर के कारण बन रहे हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि कहीं पर एक पर्टिकुलर गांव है या फिर विलेज है जहां पर एक ही सिंगल मान लो डार्कर शेड के लोग रहते हैं, ठीक है, डार्कर शेड के लोग रहते हैं, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, इसलिए वो भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना देंगे, राइट। सिमिलरली आपने बहुत सारे जो पार्टीज देखे होंगे जो कि रिलीजन के नेम पे बने हुए, तो देखिए ये सब क्या है, दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को हमने जो स्टार्ट किया दैट वाज बिकॉज भारत के अंदर सोशल रेवोल्यूशन आता है, लोगों की अवेयरनेस आती है, वल्नरेबल सेक्शन को लगता है कि अगर हमें अपलिफ्ट होना है तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, और आवाज उठाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को खुद से लॉन्च करें और अपनी आवाज को हम खुद से उठाएं। इस तरीके से अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर इमर्ज होनी स्टार्ट हुई, और इनमें से ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आगे जाकर काफी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है, आगे देखो जैसा हमने बात की यहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बनेंगी, कास्ट बेस्ड पार्टीज बनेंगी, रिलीजन बेस्ड पार्टीज बनेंगी, कलर बेस्ड पार्टीज बनेंगी। इस तरीके से जब अलग अलग पार्टीज बनती है तो जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शंस के समय में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पीपल हैं, उनके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। जब ज्यादा ऑप्शन है तो उनके पास ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है कि जिसमें से वो चूज कर सकते हैं। अब ज्यादा ऑप्शन होने के कारण जो हमारा जो मतलब जो मान लो इलेक्टोरल रोल है, पहले अगर उसमें मान लो एक ही दो पार्टी हुआ करती थी, अब बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज हैं। इसका मतलब है किसी भी एक पार्टी को यहां पर वोट नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं मिलेगी, और पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर कोलिशन पॉलिटिक्स का फॉर्म होगा। क्या आप समझे कि हमने क्या समझा? हैव यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ साइकिल, एंड व्हाट काइंड ऑफ साइकिल इज दिस? क्या हम यही तो समझ रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक आउटकम है कोलिशन पॉलिटिक्स? क्या आप इस चीज को समझ पाए? ये हमने जो डिस्कस किया अभी अभी, फिर से एक बार देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, वंस अगेन राइट फ्रॉम द बिगनिंग। देखो
1970s के आसपास में कांग्रेस सिस्टम जो थी वो डोमिनेंट सिस्टम थी, राइट। कांग्रेस सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही तरफ थी। उसके बाद एक सोशल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1970s के आसपास में। सोशल रेवोल्यूशन के कारण एक अवेयरनेस आती है, लोगों को पता चलता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। उस राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए हर एक सेक्शन अपने अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च करता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करती है तो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग फैक्टर्स के रूप में आती है, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। ये जो अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं उसके कारण इलेक्शंस के अंदर लोगों के सामने ऑप्शंस बढ़ते हैं। पहले मान लो कि अगर ये एक इलेक्टोरल रूल है तो मान लो यहां पर जैसे कांग्रेस लिखा हुआ है और यहां पर किसी रीजनल पार्टी का नाम लिखा हुआ है, मान लो सिर्फ दो ही पार्टीज हैं। बट अब जब इतनी सारी पार्टीज बन गई है और सबके सब इलेक्शन फाइट कर रहे हैं तो अब यहां पर देखो ऑप्शंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फाइट कर रही है। तो अगर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फाइट कर रही है, मान लो टोटल 100 वोट्स हैं, उनमें से कुछ वोट इसके पास गए, कुछ वोट इसके पास, कुछ वोट इसके पास, और इस तरीके से वोट्स डिवाइड हो गए, तो एक भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी ना। मतलब अच्छे चांसेस है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, और किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि दे विल हैव टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, एंड दस वी हैव प्रूव्ड एज टू हाउ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण ही आगे जाकर लॉन्गर टर्म में कोलिशन पॉलिटिक्स आगे जाकर फॉर्म होता है। कोलिशन जो पार्टीज हैं उसका फॉर्मेशन जो है, कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो एक्चुअली एक आउटकम है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, ठीक है। सो आई होप आप इस चीज को समझ गए। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस थिंग प्लीज गो बैक इन दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस चीज को मैं आपको इस पर्टिकुलर साइकिल को प्रॉपरली समझा सकूं, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन डिमांड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इस डिमांड को हमने यहाँ पर फुलफिल किया, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। सबसे पहले चीज तो कि जब एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो बहुत सारे डिफरेंट पार्टीज हैं, तो ऑब्वियसली कोलिशन पॉलिटिक्स ऑटोमेटिकली फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा जो मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था उसको हमने फुलफिल किया। अब देखो जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी में जैसा हमने बोला आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कारण जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिली, उनको मोबिलाइजेशन मिला, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला? समझो इस चीज को, लोअर कास्ट के लोगों को आगे बढ़ना कैसे? बिकॉज उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई, वो कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट बने तो ऑटोमेटिकली उनके पास पावर आई, पावर आई तो जो जो भी डिमांड्स इनकी इस पर्टिकुलर पार्टी की थी वो डिमांड भी अपलिफ्ट होनी स्टार्ट हुई, राइट। तो पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आने के कारण हमारे लोअर कास्ट का मोबिलाइजेशन इंक्रीज हुआ, लोअर कास्ट को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट थिंग। बट इसका एक बहुत बड़ा फॉलोआउट ये भी हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने इलेक्शंस के टाइम में एक कास्ट को दूसरे कास्ट से, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से फाइट कराना स्टार्ट कर दिया। भारत के अंदर जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं देखो किस तरीके से होते हैं। हमारे यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को फाइट करने को रेडी हो जाए, जब तक कि उनको इंस्टिगेट ना किया जाए, जब तक कि उनको भड़काया ना जाए। एंड दिस इज अ थिंग, इलेक्शंस के टाइम में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कम्युनल वायलेंसेस होते हैं, राइट, और बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, राइट्स होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज एक कास्ट को सेकंड कास्ट से, एक रिलीजन को सेकंड रिलीजन से लड़वाया जाता है। देयर इज अ प्रॉपर रीजन दैट इज गिवन, राइट, उनको एक फैक्टर दिया जाता है कि क्यों आपस में फाइट करना है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोआउट्स कि क्यों हमारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, ठीक है। थर्ड चीज क्या हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह भी हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई है। समझो इस चीज को, मान लेते हैं कि देर आर थ्री पॉलिटिकल, मान लो तीन डिफरेंट कास्ट है, एक्स वाई एंड जेड, मान लो एक्स का जो, और तीनों की अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मान लो एक्स की जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो आगे जाकर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है किसी भी दूसरी उसके साथ, दूसरे किसी पार्टी के साथ, और वाई और जेड की जो पार्टीज है वो लोग कोलिशन फॉर्म नहीं कर पाई, मतलब उनको ज्यादा सीट्स नहीं मिली। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि एक्स की जो पार्टी होगी वो कंपैरेटिवली अपने जो कास्ट के लोग हैं उनके लिए बायसनेस होगी, उनके लिए बायस्ड होगी, मतलब उनके फेवर में काम करेगी, और जो वाई और जेड है उनके अगेंस्ट में काम करेगी, मतलब उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करेगी। सो हमारे यहां पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने के कारण काफी सारे, देखो इतना सारा कास्टिज्म रिलीजन के बेस पर इतना सारी चीजें हो गई है कि कहीं ना कहीं जो बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। बट एक अच्छी चीज ये भी है कि बहुत सारे लोअर कास्ट के लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो कॉलिशन पॉलिटिक्स है आफ्टरऑल किस तरीके से भारतीय जो हमारा सिस्टम है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली अगर आपको कॉलिशन पॉलिटिक्स के एग्जांपल्स देने हैं तो आप एग्जांपल्स भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखो 1977 से 1979 के बीच में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ये पहली गवर्नमेंट थी जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब इससे पहले हर बार सिर्फ कांग्रेस के ही गवर्नमेंट बनते हैं, और जो मोरारजी देसाई थे ही वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नहीं थे,
राइट, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये कौन से पार्टी के थे, ही वॉज फ्रॉम जनता दल, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। फर्स्ट चीज ये हो गई। सेकंड चीज आप लेटर ऑन जाओगे तो चरण सिंह की गवर्नमेंट बनती है, चरण सिंह की गवर्नमेंट। चरण सिंह जो थे भारतीय लोकदल के पार्ट थे, ठीक है, लेकिन बाद में वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाए तो उसी कारण उनकी गवर्नमेंट गिर गई। बट दे ही एक्चुअली फॉर्म्ड कोलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब कोलिशन गवर्नमेंट इन्होंने भी फॉर्म किया था। थर्ड चीज 1996 में आप सब जानते हैं वाजपेयी जो एबी वाजपेयी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थी, उन्होंने भी अपनी रिलीजन रिलीजन बेस पर जो अभी बीजेपी स्टार्ट हुई थी उस वो आगे जाकर मतलब कोलिशन पॉलिटिक्स फॉर्म करता है, ये भी बहुत लंबा चल नहीं पाया। बट द पॉइंट इज कि इसने भी कोलिशन पॉलिटिक्स एक्चुअली फॉर्म की। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है कोलिशन पॉलिटिक्स की जो आप ध्यान रख सकते हैं। देखो इस तरीके से आपको ये आंसर अप्रोच करना था। आई होप आप क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को समझ गए, किस पार्ट को हम किस तरीके से अप्रोच करते थे, आई होप आप ये चीज समझ गए। फाइनली आंसर को एंड करना है, देखिए किस तरीके से इस आंसर को कंक्लूड किया जा सकता है। पहली चीज तो आप ये बता सकते हैं कि जो कोलिशन पॉलिटिक्स है ये बात सच है कि कोलिशन पॉलिटिक्स प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती, बट ये भी उतनी ही सच है कि कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, उनको प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है, वो लोग अपने आप को अपलिफ्ट करने में स्टार्ट हुए हैं, अब उन्होंने अपलिफ्ट करना स्टार्ट किया है। सो कोलिशन पॉलिटिक्स के अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हमें यहां पर क्या करना चाहिए कि देखो कोलिशन पॉलिटिक्स एक बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करता है, और राइट नाउ अभी हम पिछले दो टर्म से 2014 एंड 2019 हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोलिशन पॉलिटिक्स नहीं फॉर्म हो रहा है, रदर हमारे यहाँ पर एक मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। यहाँ तक कि इतनी मेजोरिटी, इतनी स्ट्रांग मेजोरिटी है इन गवर्नमेंट्स की कि जो हमारा अपोजिशन पार्टी है वो अपनी खुद की जो 10% का जो क्राइटेरिया होता है लोकसभा के अंदर उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। मतलब जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसके पास 10% वोट्स भी नहीं है, इतनी स्ट्रांग मेजोरिटी गवर्नमेंट बनी हुई है। तो ये शो करती है कि देखो ये बात सच है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, बट मेजोरिटी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फॉलोआउट ये होता है जैसा स्टार्टिंग में कांग्रेस सिस्टम में होता था कि वो लोग रीजनल एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं साइड छोड़ देते हैं, रीजनल एस्पिरेशंस के ऊपर वो प्रॉपरली बातचीत नहीं करते हैं, राइट। तो इस चीज को यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की जरूरत है। अगर भारत को अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, डीपन करना है, सो इंडिया की मेजोरिटी गवर्नमेंट को भी नो प्रो स्टेट पॉलिसीज को फॉलो करना होगा, रीजनल एस्पिरेशन को साथ में लेकर चलना होगा, एंड ओनली देन कैन वी से दैट वी आर अ ट्रू डेमोक्रेसी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए, आई होप आप पिछला क्वेश्चन भी प्रॉपरली समझ गए। दीज टू क्वेश्चंस आर एक्चुअली अ वेरी वेरी यू नो कॉमन फिनोमिना इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं जहां पर आपको कास्ट को, रिलीजन को, एथनिसिटी को, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को, इन सबको आपको यू नो साथ में साथ कोलिशन गवर्नमेंट, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। That's all from this particular video. Thank you so much for listening. See you in the next one.